नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज डिजिटल में। मैं आपके साथ हूं विपुल माहेश्वरी। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गलवान घाटी के पास भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प, झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर, दो जवान शहीद, 5 चीनी सैनिक भी ढेर। चीन की चालबाजी आई सामने, बीजिंग ने भारतीय सेना पर लगाया आरोप, कहा बॉर्डर पार करके भारतीय सेना ने किया हमला। प्रदेशों से पीएम मोदी ने की बात, कोरोना को लेकर बनाई जाएगी रणनीति, अर्थव्यवस्था का भी रखा जाएगा ध्यान। एक तरफ सरकार कोरोना वायरस को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारी जनता के साथ, आम लोगों के साथ लापरवाही बरत रहे। ऐसी तस्वीर यूपी के बांदा में देखने को मिली, जहां एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उत्तरा के बाघा गांव को सील करके खानापूर्ति करते हुए क्वारंटाइन कर दिया गया और व्यक्ति को घर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन पीड़ित के परिवार को क्वारंटाइन करने से नजरअंदाज कर दिया गया, जो शहर में कोरोना फैलाने का काम कर सकते हैं। खबर यूपी के बांदा से ही है, जहां कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने आम लोगों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने 5 मुख्य बिंदुओं को लेकर बताया कि बांदा जनपद में विद्युत आपूर्ति व पानी की आपूर्ति बाधित चल रही है, जिसकी वजह से बांदा नगरवासी बेहाल है। इसी के चलते 22 मार्च 2020 से जून तक बिजली का बिल माफ किया जाए और जो कालिंजर किले के ऊपर पानी का सप्लाई बंद है, उस पानी की सप्लाई को चालू किया जाए। खबर राजस्थान के जालौर से है, जहां विधायक पुराराम समेत विपक्षी पार्षदों ने आक्रोश जताया। यहां बैठक में 16 बिंदुओं में से मात्र एक बिंदु पर ही चर्चा की गई। यहां विधायकों ने सत्ता पक्ष पर मनमानी का आरोप लगाया, वहीं एसडीएम अवधेश मीणा के आश्वासन के बाद ही कहीं जाकर मामला शांत हुआ। खबर राजस्थान के पोकरण से है, जहां एसीपी लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। यहां एसीबी प्रभारी अनिल पुरोहित के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जहां 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल यह रिश्वत कृषि विद्युत कनेक्शन के बिल शुद्धिकरण के एवज में मांगे गए थे। खबर राजस्थान के पोकरण से है, जहां प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल की शुरुआत की गई। यहां HDFC बैंक व उर्मून ट्रस्ट के सहयोग से मरुगंभी परियोजना के तहत बडली नाथूसर की कोठुलाई तालाब में कार्य का शुभारंभ किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मरुगंधा परियोजना के कलेक्टर कोऑर्डिनेटर पुखराज जयपाल ने बताया कि HDFC बैंक व उर्मूल ट्रस्ट के सहयोग से बडली नाथूसर के कोठुलाई तालाब की खुदाई व आगोर की सफाई करवाने के लिए मरुगंधा परियोजना के तहत कुल 38 महिला पुरुषों को रोजगार दिया गया है। उन्होंने बताया कि तालाब पर 15 दिन का पखवाड़ा चलेगा, जिसका समय सुबह 7 बजे से 1 बजे तक रहेगा। इस बीच 1 घंटे का लंच भी होगा। खबर राजस्थान के झुंझुनू के बड़ा गांव कस्बे से है, जहां बैंक के कर्मचारी व अधिकारियों ने सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई। दरअसल मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक कर्मियों सहित बैंक मैनेजर ने सरकार के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते आए दिन नए केस बढ़ रहे हैं, फिर भी सरकार दिशा निर्देश की अवहेलना की जा रही है। बैंक में प्रतिदिन आने वाले उपभोक्ताओं में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। बैंक कर्मी स्वयं भी बिना मास्क के कार्य कर रहे हैं। ऐसी लापरवाही की वजह से कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े लगातार बढ़ सकते हैं। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक ली गई। बैठक में सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया एवं लूणकर्ण सर विधायक सुमित गोदारा ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक पूनिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। साथ ही उन्होंने देश के सैनिक बलों को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए CDS का गठन किया। ये मोदी की नेतृत्व क्षमता का ही प्रभाव है कि आज दुनिया भारत के गुणगान करती है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लूणकर्ण सर विधायक सुमित गोदारा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना चलाकर देश के किसानों के लिए खोए हुए आत्मविश्वास को जगाने का काम किया है। कोरोना के इस कालखंड में जहां संगठन का कार्य व्यक्ति से उपस्थिति से
सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के प्रांत में और पूरे राष्ट्र में ही संगठन का कार्यक्रम विधिवत और सुचारू रूप से चले, इसके लिए डिजिटल तकनीकी के माध्यम से पूरे राष्ट्र भर में, पूरे राजस्थान में और हमारे पूरे जिलों में भी इस प्रकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें हो रही हैं। और उसी क्रम में आज से झुंझुनू जिले में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों का संचालन शुरू हुआ है। खबर राजस्थान के नागौर से है, जहां घुमक्कड़ काल बेरिया परिवार को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। दरअसल सरकारी योजना के तहत पट्टा में मकान आवंटित कर दिए गए, लेकिन सरपंच और ग्राम सचिव की मनमानी के चलते वो योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे। पीड़ित परिवारों ने बताया कि घुमंतू कालबेलिया जाति के लगभग 20 परिवार 40 वर्षों से ग्राम लाई में निवास करते हैं, जिनको सालों तक आला अधिकारियों नेताओं के दर तक ठोकरे खाने के बाद राजस्थान पंचायत के नियमों के अंतर्गत निःशुल्क पट्टा में मकान वितरण किया हुआ है, पर सालों से निवर्तमान सरपंच में ग्राम सचिव के द्वारा मान्य नहीं किया गया है, जिस कारण से पीड़ित परिवार को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक व्यक्ति की जान ले ली। दरअसल यहां मिट्टी के चक्कर में लगातार ट्रक चालक मिट्टी लेकर ट्रकों में ढोते हैं और यहां रफ्तार के चलते ट्रक की चपेट में व्यक्ति आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों के साथ डॉक्टर व आम जनता को कोरोना महामारी से बचाने के लिए यूपी सरकार ने नई पहल की है। यूपी सरकार ने सभी 75 जिलों में कोरोना का टेस्ट 2 घंटे के अंदर करने वाली मशीन लगाने का फैसला लिया था, जिसके तहत अमेठी जिला अस्पताल में ट्रू नॉट मशीन लगा दी गई और यहां कार्य भी शुरू हो गया, जिसके चलते अब अस्पताल कर्मियों की किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पूर्व अमेठी जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला के कोरोना वायरस के संक्रमित होने के बावजूद पता न चलने के कारण आनंद फानंद में उसका ऑपरेशन करना पड़ा, जिसके चलते जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर आर के सक्सेना, एनेस्थेटिक NK मिश्रा समेत अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया था। इसी के साथ जिला अस्पताल को 2 दिन के लिए पूरी तरह बंद करना पड़ा था। फिलहाल सब सुरक्षित है। खबर यूपी के अमेठी के शोभापुर से है, जहां ससुरालियों ने विवाहिता को जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, लेकिन गनीमत रही कि सही समय पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और विवाहिता को घर से निकालकर थाने ले आई। लेकिन थाने में भी विवाहिता को इंसाफ नहीं मिला, उल्टा पीड़ित परिवार के 4 लोगों पर धारा 151 में चालान कर दिया गया। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां एक कार 2 छोटे बच्चों की मौत का कारण बन गई। घटना मुंडा पांडे क्षेत्र में है, जहां कार 2 छोटे बच्चों की मौत का सबब उस समय बन गई जब 4 बच्चे खेलते हुए कार में बैठ गए और उसकी खिड़की अंदर से बंद कर ली। परिजनों को उस वक्त पता चला जब 2 बच्चे मौत के आगोश में समा गए। 2 अन्य बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर यूपी के मेरठ के मलियाना से है, जहां रेत से भरा ओवरलोडिंग ट्रक अचानक बेकाबू होकर पलट गया। इस दौरान ट्रक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गया, लेकिन बड़ी बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं है। वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची, पुलिस ने फ्लाईओवर पर लगे जाम को खुलवाने में मदद की। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां बुजुर्ग दंपति का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर उनके शव गड्ढे में पड़े मिले, वहीं जहरीला पदार्थ खाने से दोनों की मौत की बात सामने आई है। दोनों की आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य संकलन के बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरसोल की है। खबर राजस्थान के नागौर के रियाबड़ी से है, जहां किसानों को उचित दामों पर बीज व खाद वितरित किया जा रहा है। रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय में ग्राम सेवा सहकारी समिति रियाबड़ी द्वारा रियाबड़ी क्षेत्र के किसानों को उचित दर पर खाद बीज अनुदान द्वारा वितरण किया जा रहा है, जिसमें IPL DAP 1150 रुपये व IBM मूंग 85 किलो तथा MH 421 मूंग बीज 60 प्रति किलोग्राम के अनुदान दरों पर वितरण किया जा रहा है।
ग्राम सेवा सहकारी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सफी मोहम्मद चौहान ने बताया कि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा सहकारी समिति से बीज प्राप्त कराना चाहिए और अनुदान राशि का फायदा लेना चाहिए। रियाबड़ी ग्राम सहकारी समिति में किसान भाइयों को अनुदान के साथ साथ सहकारी समिति जानवरों हेतु उचित उत्पाद भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यूपी के कानपुर में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां कई राज्यों में आतंक का पर्याय बने 50,000 के इनामी अपराधी को भाई के साथ एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें, दोनों ही अपराधियों का कई थानों में लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस से है, जहां 5,000 क्विंटल चना वर्षा की भेंट चढ़ गया। मंडी में चना भीगने के बाद पहुंचे अधिकारी और उनके बाद में कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने किसानों का माल भीगा हुआ देखकर तथा उनकी समस्या सुनी तो विधायक से सहन नहीं हो पाया और उन्होंने अधिकारियों को खरी खोटी भी सुना दिया और अपनी ही सरकार के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह पर भी कटाक्ष किया। खबर राजस्थान के चाकसू से है, जहां पार्क का नाम शहीद के नाम पर रखने को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल आमजन की मांग है कि पार्क नाम शहीद गिरिराज यादव के नाम पर रखा जाए। वहीं उपखंड अधिकारी ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए चाकसू की जनता को आश्वासन दिया। वैसे तो डॉक्टर्स को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया। मामला यूपी के अमेठी जिले का है, जहां थाना मुंशीगंज की रिपोर्टिंग चौकी शहगढ़ क्षेत्र के कुर्मी का पूर्वा मजरे पूरब गांव का है, जहां पर एक गर्भवती महिला आशा बहु फुलपति के साथ अपनी डिलीवरी करवाने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहगढ़ पहुंची है। उसके साथ तीमाकदार के रूप में एक लड़की के सिवा और कोई मौजूद नहीं था, जहां पर नर्स की लापरवाही के चलते बच्चा स्वयं से पैदा होकर स्ट्रेचर के नीचे गिर गया और जिसको गंभीर चोटें आई है, जिसके चलते नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। बुलाने पर जब नर्स और आशा बहु नींद से जगी और पहुंची तब बच्चा मर चुका था। इन लोगों ने कहा कि इसको कोरोना हुआ है और बच्चा सड़ गया है, इसलिए तुम लोग चुपके से इसको लेकर जाओ और इसको दफन कर दो। फिलहाल जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चा पैदा होने के समय मृत था अथवा महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया, इससे किसी नर्स की लापरवाही नहीं। वही अब पीड़ित के परिजन न्याय के लिए शिकायत पत्र लेकर पुलिस के पास पहुंचे हैं। पुलिस पीड़िता की शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर जांच में जुट गई है। किसी नर्स की लापरवाही नहीं है, एक आशा फूलपति है, वो पूजा वर्मा एक महिला को लेकर के आई थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी होने वाली थी, उसकी डिलीवरी हमारे यहाँ हुई है और बच्चा स्टिलबर्थ था। खबर यूपी के लखीमपुर से है, जहां नौकरशाह नेताओं की मिली भगत से बालू का खनन लगातार हो रहा है। यहां किसानों ने अवैध बालू खनन रोकने की लाख कोशिश कर ली, लेकिन खनन माफिया लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। जहां एक तरफ खनन माफियाओं के द्वारा शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को अपनी फसलें खोनी पड़ रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवतेज डिजिटल।